श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। लंका में श्री राम बोले के साहस करे वाला रउआ है के? और ए भवन में कैसे आई नी? हम यहाँ से जात रहे तो राउर भवन पे शंख चक्र और धनुष के चिन्ह देखने और राउर आंगन में माता तुलसी के पौधा देखनी, तो हम समझ गए नी ये अवश्य केहू नारायण भक्त के घर है और राउर दर्शन खातिर रुक गई नी। परंतु जय श्री राम, ये प्रश्न तो हम रउआ से पूछल चाहता नी कि लंका में रह के रउआ प्रभु श्री राम के जय कैसे बोल रहल बानी। ऐसन साहसी वीर के है रउआ? का रउआ राक्षसी कुल से ना है? राक्षसी कुल के ही हैं, परंतु श्री राम के भक्त हैं। का राक्षस जाति के श्री राम के भक्ति के अधिकार नहीं खे? नाना मान्यवर, प्रभु के भक्ति के अधिकार ता दानव मानव पशु पक्षी सबके बा, परंतु हम राउर परिचय जानल चाहता नहीं। हम महर्षि विश्रवा के पुत्र और महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। जौन प्रकार दांत के बीच जिह्वा रहेला, बस वही प्रकार हम यहाँ रहेला। एक के आशा हृदय में लेके कि एक दिन श्री राम के दर्शन होखी और हमार उद्धार करी है। बड़ा आश्चर्य के बात बा, रउआ प्रभु श्री राम के देखले नहीं थी और उनकर भक्ति कर रहल बानी। ब्राह्मण देवता, हमने तीनों भाई एक साथ घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कैले रही। जब वो वरदान मांगे के काले, तब बड़ भाई लोक शक्ति और हम श्री नारायण के भक्ति और उनकर दर्शन के वर मांगने। तब ब्रह्मा जी हमरा से कहले कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेके लंका में आई हैं, तब तारा उनकर दर्शन होगी। बस तब से हम श्री राम के नाम के ही जाप कर रहल बानी। धन्यवानी रउआ और धन्यवाद राउर भक्ति। अब रउआ अपन परिचय दी, का रउआ कौनो हरि भक्त है, कौनो देवता है कि स्वयं श्री राम है जे? राम राम मान्यवर, रउआ हमरा के कहाँ पहुँचा देनी? हमार असली रूप ब्राह्मण के नहीं है, हम एगो वानर है। हमार नाम हनुमान है। ये तो प्रभु श्री राम की उदारता बा कि वो हमरा के अपन सेवक बना ले बाड़े। प्रभु श्री राम के सेवक के विभीषण के प्रणाम। अरे अरे मान्यवर, ये का कर रहल बानी? सेवक सेवक के सामने शीश ना झुकावेला, हमनी दोनों प्रभु राम के सेवक हैं। अब रउआ हमरा के अपन यहाँ आवे के प्रयोजन बताई। दुष्ट रावण सीता मैया के छल से हर ले आइल बा। हम प्रभु श्री राम के आज्ञा से सीता मैया के खोज में आई बानी। हम राजभवन के चारों ओर घूम चुकल बानी, परंतु सीता मैया के कहीं पता नहीं खे चलल। यदि रउआ कुछ जाना तानी तो कृपया करके हमके बताई। देवी सीता के रउआ राजभवन में ढूंढ रहल बानी,
उता अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे तपस्विनी के रूप में रहेली। अशोक वाटिका? वहाँ बहुत कठोर पहरा बा, रउवा भीतर न जा सकब, और वैसे भी रउवा अकेले बानी। मान्यवर, हम अकेले ही उस पहरेदार खातिर बहुत बानी, परंतु सीता मैया के ढूंढे से पहले उनका के हम इस संकेत नहीं दिहल चाहत कि प्रभु श्री राम के कोनो दूत सीता मैया के ढूंढे आइल बा, ना तो लोग सीता मैया के कहीं और छिपा दी है। तो रउवा सीता देवी से मिलब कैसे? चिंता मत करी मान्यवर, सूर्य भगवान उदय होके ही वाला बाड़े, हमरा क्या आज्ञा दी है, हम दिन भर कहीं छिप के बिताएब और रात के अंधेरा में अशोक वाटिका पहुंच जाएब। जय राम भक्त, श्री राम राव रक्षा करस। जय श्री राम। जय श्री राम। के आके हमने के ये बताई कि हनुमान जी लंका में पहुंच गए बाने कि ना? युवराज अंगद, हनुमान जी गुण के भंडार हवे, वीरता के साथे साथ उनका में साहस बा, दृढ़ निष्ठा बा, श्रद्धा बा, भक्ति बा और बुद्धिमत्ता और ज्ञान बा। वह हर बाधा के पार करके लंका अवश्य पहुंच गई होगी है। तब तो उनका सीता जी के दर्शन भी हो गई होगी। यदि सीता माता लंका में बाड़ी तो हनुमान जी अवश्य उनका तक पहुंच जाई है। हमरा समझ में ना आवेला कि हमरा के देखते ही तू सहम काहे जाएलू, जैसे कि सिंह के सामने खड़ा देख के मृग भयभीत हो जाना। सीते, हम तारा खातिर सिंह ना, तहार प्रेम के उपासक हैं। तहरा में उच्च चुंबकीय शक्ति बा, जौन हमरा के तहरा ओर आकर्षित करत जाला। हमरा ओर देखबू ना, कदाचित तू ही नहीं खुद जानत कि तू कितना सुंदर बाड़ू, तहरा में कितना आकर्षण बा। सीते, लंकेश ऐसे ही थोड़े दौड़ल दौड़ल आ जाला तहरा पास, हम तो तहार रूप के पुजारी बन गई बानी, हमरा पर कृपा कब करबू देवी। हमार सभे रानी तहार सेविका बन के सेवा करी है, तीनों लोक के सुख तहरा वहां प्रतीक्षा कर रहल बा। दुष्ट,
जौन परम सुख हमरा श्री राघव के धर्मपत्नी होके से मिलल बा। ओकरा से बड़ सुख तीनों लोक में नहीं खे। श्री राघव के धर्म पत्नी और सुख सीते वो बनवासी तारा के का सुख दी पता ना वो अभी तक जीवित बा कि ना। एक बार हमरा और देखा सीते हम तारा से प्रेम करे लागल बने। हम तारा के तब तक स्पर्श ना करब जब तक तू स्वयं हमार प्रेम के स्वीकार करके हमार आलिंगन में नहीं खुआ जात। तहार आलिंगन रघुनंदन के नुकीला बाण करी और तहार भुजा के काट के फेंक दी। तहार भला यही में बा कि तू आपन मन हमरा पर से हटा ले, अन्यथा तोर पाप के आग में तार सोना के लंका सहित तू जल के भस्म हो जाएगा। पूरा राक्षस कुल के विनाशक कहलाएगा तू। बस अब एक शब्द कुछ और मत बोलिया। हम प्रेमवश तारा से मीठा मीठा बात आकर करत है और तू ओकरा के हमार कायरता समझत पड़ो। तू हमार शक्ति से अनभिज्ञ बाड़ू। लंकेश यदि भुकटी हिला देवे तो सूर्य और चंद्र भय के मारे कापत जहां बाड़े वह ठहर जास। तू वीर न हव रावण तू डरपोक हव कायर हव तू जानत रह श्री राम से युद्ध में तू कभी नहीं खजीत सकत। एही से जौन तरह एगो लोमड़ी सिर के सामने जाए से डेरा ले ओही तरह उनका होकते तू हमर कुटिया में पाँव भी ना रख सकल। सीते लंकेश और अपमान सहन नहीं खे कर सकत। एकरा से पहले की चंद्रहास खड़क तार गर्दन काट देबे। तू स्वयं हमार शरण में आ जा सीते। तहार भला यही में बार रावण कि तू प्रभु श्री राम के शरण में चल जा अन्यथा ए लंका में केहू ना बाची। इहां खाली भूत और पिशाच घूमी है ओमे से तू हो एगो होकबा। सीते नाथ इका कर रहल बानी रहुआ। तीनों लोग के स्वामी एगो असहाय अबला स्त्री पर शस्त्र उठाई ना महाराज ई रउआ के शोभा नहीं खे देत। एगो स्त्री के हत्या अधर्म हा। परंतु ये जे भी होखे आवेश में आके इनकरा मुंह से रउआ खातिर कुछ अपशब्द निकल गईल होखी। किंतु राउर गौरव ए में बा कि रउआ इनका के क्षमा कर दी ही। ए समय ई राउर अतिथि बाड़ी और अतिथि के इतना कठोर दंड ना देल जाला। एक बार महारानी मंदोदरी सीते जदि तू हमरा के अपन पति स्वीकार ना कैलू तो हम तहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दे।
हमरा से ई दुख और सहन नहीं खिजात, सहन नहीं खिजात हमरा से ई दुख। तू सब सीता के काहे घेर के खड़ा बाड़ू, जा सब यहाँ से। ना जा सकता नी, हमनी लंकेश के आज्ञा के पालन कर रहल बानी। केकर आज्ञा के पालन करबू, जब आज्ञा देवे वाला ही ना होखी। ई तू का अनाप शनाप बोल रहल बाड़ू त्रिजटा। भोर के समय में हम एगो स्वप्न देखनी हा, और भोर के स्वप्न सदैव सच होखेला। कवन स्वप्न? स्वप्न में हम प्रभु श्री राम के देखनी हा, उस सागर से घिरल धरती के निगले आ रहल बाड़े। उनकर शरीर पे दिव्य अलंकार बा, उ रथ पे सवार बाड़े। उनकर रथ के हजारों श्वेत घोड़ा खींच रहल बा, और फिर हम रावण के देखनी। उनकर सिर मुड़ल रहे, तेल में भींगल, लाल कपड़ा में लपेटाइल, वो दक्षिण दिशा के ओर भागत रहन, और एगो करिया स्त्री उनकर पीछा करत रहे। उकरा बाद हम पुष्पक विमान देखनी, उकरा में राम सीता और लक्ष्मण बैठल रहले। वो पुष्पक विमान अंतरिक्ष के ओर जात रहे, और सुंदर लंका नगरी के बाहर और भीतर के द्वार टूटल पड़ल रहे। चारों तरफ राक्षस सब के मृतक शरीर पड़ल रहे, और राक्षसी सब रोवत रहली, विलाप करत रहली। यदि स्वप्न सत्य बात, हमनी तहरा से क्षमा मांगता नी सीता। हमनी जे भी करत रहनी, वो अपन स्वामी के आज्ञा के पालन करत रहनी। ठीक बा, ठीक बा, जा सीता के तनिक विश्राम करे द। जा सब लोग यहाँ से। ई राक्षसी सब पे क्रोध मत करी है पुत्री। माता त्रिजटा, क्रोध तो हमरा अपना आप पा आ रहल बा। क्या हम अभी तक जीवित का है बानी, का है हमरा मृत्यु नहीं ख्यावत। कब तक जलत रहा भाम विरह के अग्नि में, कब तक प्रतीक्षा करब हम रघुनंदन के, कब ये हमार राघव। लेकिन वो कैसे आई है, कैसे पता चले उनका कि हम कहां बानी, के बताई उनका के। ए लंका में के बा हमार शुभचिंतक, केहू भी तो नहीं के। सबकी चिंता दूर करे वाला भगवान शिव हवे पुत्री, उनकर ध्यान करा।